टॉपिक मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट से पहले एक और टर्म समझ लो, मास रेस्ट, रेस्ट मास, रेस्ट मास। तो रेस्ट मास क्या होता है? रेस्ट मास समझ आ गया तो मास डिफेक्ट आसानी समझ आ जाएगा। रेस्ट मास यानी अगर कोई भी पार्टिकल एकदम से रेस्ट में रहता है और उस समय जो उसका मास होता है उसे हम उसका रेस्ट मास बोलते हैं। ठीक है, कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है उस समय जो उसका मास होगा उसी को हम उसका रेस्ट मास बोलते हैं उस पार्टिकल का। तो अगर कई एक्सपेरिमेंट्स में इस तरह का पाया गया है कि जो ओवरऑल न्यूक्लियस का मास होगा, न्यूक्लियस का मास होगा वो एकदम से, मतलब एकदम से नहीं, कुछ साइलेंटली कम होता है। किसके साइलेंटली कम होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों के मास से कम होता है। मतलब एग्जैक्टली हम क्या बोल सकते हैं इसे, m ऑफ n और m ऑफ p, इन दोनों के मास को अगर हम ऐड करते हैं तो जो हमें मास मिलता है तो वो मास एकदम, मतलब थोड़ा बहुत डिफर करता है रेस्ट मास, न्यूक्लियस का जो रेस्ट मास होगा उसके मास से। तो ये जो मास में डिफरेंस आ रहा है दोनों में, न्यूक्लियर मास में, रेस्ट मास में, जब न्यूक्लियस एक रेस्ट में रहेगा तब उस समय जो उसका मास होगा उस मास में, और जो मास उसका रेस्ट मास अगर जो हमने निकाला है AMU की मदद से, यानी वन इलेक्ट्रॉन वन एटॉमिक मास यूनिट, उसकी मदद से वो उन दोनों में थोड़ा बहुत साइलेंटली डिफर आता है, इसी को हम पूरे को बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक, समझ आया मास डिफेक्ट क्या होता है? अब मास डिफेक्ट एग्जैक्टली क्या होता है ये हम अभी समझेंगे एक एक्सप्रेशन के थ्रू। तो देखो, मान लेते हैं ये पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह से है। मान लेते हैं हमारे पास एक एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एक एक्स एटॉमिक नंबर है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, ठीक है, एटॉमिक मास ए है, ठीक है, और उसके में से जो भी उसमें क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब एफ एन है, ठीक है, एक एम एन है, और उसी तरह से उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन के बेसिस पे, जेड ऑफ एन हो जाएगा ना, जेड ऑफ एन, जेड ऑफ एम एन हो जाएगा, इस तरह से एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर देखेंगे तो। ठीक है, चलो, तो इसमें जो एम एन है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि दैट इट वुड बी अ मास ऑफ न्यूट्रॉन, अभी ऐसे लिखो, ठीक है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन, एन यू टी आर ओ एन, न्यूट्रॉन, और एम पी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास है। इसी तरह से एक और लिख लेते हैं हम एम एन, ये कैपिटल एन लिख रहा हूं, हमेशा एक ध्यान रखना है क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, एग्जैक्टली क्लियर। चलो, तो ये तीन टर्म्स हैं। अब इसी के हिसाब से अगर मान लेते हैं कोई एटॉमिक नंबर एक्स है, उस एटॉमिक पार्टिकल एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक मास ए है, तो उसके लिए अगर हम मास डिफेक्ट निकालने जाऊं, मास डीईएफईसीटी डिफेक्ट निकालता हूं, तो मैं इसको कुछ इस तरह से निकाल सकता हूं, दैट डेल ऑफ एम इज इक्वल्स टू, एक एक्सप्रेशन ड्राइव्ड एक्सप्रेशन है जो अपने कोर्स में नहीं है, अगर आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा, ठीक है, इसी के बाद में, तो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है कि नहीं। चलो, तो अपने कोर्स में नहीं इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो मास डिफेक्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, जस्ट एक ब्रैकेट लिखो, अब इसका एक बड़ा सा फॉर्मूला बनेगा, हम उस फॉर्मूले को आगे ड्राइव करेंगे, बट ये वाला जो एग्जैक्टली फॉर्मूला है ये कहां से है, ये इसका अपने कोर्स में नहीं है। तो मास डिफेक्ट इज इक्वल्स टू, आप इसे जेड ऑफ एम पी, ठीक है, प्लस ए माइनस ऑफ जेड m ऑफ n माइनस m ऑफ n, ये होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट में आप बोलोगे कि मैंने इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो एक एटम के पार्ट होते हैं, तो वो भी मास डिफेक्ट में कैरी होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल हम जो मास लेते हैं किसी भी एटम का, तो हम इलेक्ट्रॉन के कारण भी मास कंसिडर करते हैं, बट हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, निगलेक्ट कर देते हैं, पर उसका भी हम कंसिडर करते हैं, कुछ ना कुछ तो मास है भैया, तो हम इसका क्यों नहीं, चलो कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए उसको भी, अभी जस्ट वही हो जाएगा आगे जाके, तो ठीक है ना। मास डिफेक्ट,
तो मान लेते हैं x एक x एलिमेंट है जिसका z और a वही एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है, तो फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए z ऑफ m e हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम हो जाएगा इसी तरह से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर z एटॉमिक नंबर। तो इसी तरह से मैं इसको पुट कर देता हूं फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए भी, तो ये क्या हो जाएगा z ऑफ m p प्लस a माइनस जेड ऑफ एम एन। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं किए, इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर लेते हैं, तो जस्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा जेड ऑफ एम ई, ठीक है, a माइनस जेड ऑफ एम एन माइनस ऑफ एम ई, सॉरी एम यहां पास से इसको यहां से लिख लेना ना, माइनस ऑफ जेड ऑफ एम ई प्लस माइनस ऑफ माइनस एंड एम एन, हो गया। कई लोग बोल रहे भाई यहां पास लिखा, यहां पास प्लस में यहां माइनस नेगेटिव में कट करना है क्या, हाँ भाई कट ही कर रहे हैं क्योंकि हम उसे नेग्लेक्ट करते हैं, मैंने आपकी तसल्ली के लिए बस लिख दिया है। चलो तसल्ली के लिए लिखा हूं, किस लिए लिखा हूं कि आगे मेरे एक्सप्रेशन भी आगे बनाना है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर कर लेते हैं एक यूनिट जो मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अब इसको रब कर दे रहा हूं, इसका भी कोई यूज नहीं है, यहां पास से थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा होएगा। अब यहां पास मैं एक चीज कंसिडर करूंगा कि दैट अपना पास सबसे पहले इसमें जो चीजें कॉमन आ रही है उसको निकाल लेते हैं फिर कंसिडर करते हैं, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो जेल ऑफ एम इज इक्वल्स टू जेड, इन दोनों में से जेड जेड कॉमन है तो मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा जेड ऑफ एम पी प्लस एम ई, ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, और प्लस यहां प्लस छूट गया है, प्लस ए माइनस ऑफ जेड और एम एन, ठीक है, ए माइनस जेड ऑफ एम एन, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, और यहां पास से इन दोनों को में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, बट फिर भी एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है ना, क्या ब्रैकेट में रख लेते हैं, जेड ऑफ एम ई माइनस ऑफ एम एन। चलो तो ये आ जाएगा आपका एक फॉर्मूला, ये पूरा आ जाएगा जो मैंने अभी लिख दिया आपके लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पास सारी पॉजिटिव नेगेटिव में गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पास अगर नेगेटिव लगा रहे हैं तो यह अंदर वाले के लिए नेगेटिव कर देगा, बट इसको पॉजिटिव कर देगा तो इसको भी पॉजिटिव कर देते हैं, तो सारी चीजें क्लियर रहे, क्योंकि अपना नेगेटिव में यहाँ वैल्यू दी गई है, हाँ ठीक है ना। यही पॉजिटिव नेगेटिव वाली ही गलती बहुत लोग करते हैं, मैं भी करता था, इसीलिए एक बार चेक कर लेना पॉजिटिव नेगेटिव का, ताकि लोचा बाद में ना रहे। अब यहां पास हम कंसिडर करेंगे दैट कुछ चीजें, जैसे कि एम पी प्लस एम ई एज अ हाइड्रोजन के लिए कंसिडर करो, क्योंकि रिलेटिवली हम हाइड्रोजन ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम सबके लिए वैलिड है। अब उसके लिए अगर एटॉमिक नंबर 1 पुट कर दूंगा, एटॉमिक मास 1 पुट कर दूंगा, अब उसको किसी के साथ भी इंटू करूंगा तो क्या घंटा उसमें किसी में फर्क आएगा, मल्टीपल करोगे किसी एटॉमिक और किसी नंबर के साथ, किसी एटॉमिक और डिफरेंट नंबर के साथ या फिर एलिमेंट के साथ, तो 1 है तो 1 इंटू हो जाने पर भी 1 ही रहेगा, 1 इसी किसी के साथ 13 के साथ इंटू होगा तो क्या रहेगा 13 ही रहेगा, 14 तो नहीं हो जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई करने पे कुछ नहीं चेंजेस हो, तो इसीलिए हम इसे हाइड्रोजन एटम के लिए कंसीडर करेंगे एज अ फॉर इस तरह से हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन के लिए H1 और 1 और इसी के साथ साथ इसे N, ठीक है, एक ये एक चीज कंसीडर कर रहे हैं एज अ एक्सप्रेशन 1 इसे मान लो, दूसरी चीज क्या इसके लिए कंसीडर करेंगे, ठीक है, दैट ऑफ Z ऑफ ME प्लस MN इज एग्जैक्टली व्हाट वी कंसीडर, इसको रब कर देता हूं जगह हो जाए, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं कोई एक एक्स एटॉमिक नंबर, ठीक है, एक्स एटॉमिक नंबर जो हम बार बार कंसीडर कर रहे हैं, इसके एक्स एटॉमिक नंबर जेड है और उसका एटॉमिक मास ए है, एक एक्स एलिमेंट है, ठीक है, इसके लिए कंसीडर कर लेते हैं, ये भी आ जाएगा एग्जैक्टली हमारे लिए काम की चीज, और एक एम मास का हो सकता है, दोनों में ही एम एम है तो एम मास का हो सकते हैं, तो एम बी, तो इसे एक्सप्रेशन 2 मान लो। अब इसे पुटिंग एक्सप्रेशन 1 और 2 इन दीज इक्वेशन, तो दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो तो इसी के अकॉर्डिंग में हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, थोड़ा ब्लैक यूज करता हूँ, ब्लू 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 चारों तरफ हो गया, तो जेड ऑफ
क्या आ जाएगा अपना कुछ इस तरह का z ऑफ m एच वन वन, ठीक है, और इसके साथ ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, और a माइनस ऑफ z m n और इसकी जगह माइनस ऑफ m a x, सो m और ये x a और z और ये कुछ इस तरह से और ये कुछ ब्रैकेट इस तरह से और ये ब्रैकेट हुआ अपना क्लोज हुआ और ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला हुआ, ठीक है ना। चलो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यही है एग्जैक्टली हमारा मास डिफेक्ट का फॉर्मूला जो कि हम हर एक एलिमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। हम वहां एज अ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एज अ उसका न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स तो अपने को मालूम रहेगा, ए माइनस जेड से हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसका मास एम एन क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10^1 = 27, ठीक है, उसी को यूज कर लेंगे। और एम यहाँ पास जिस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वाला एलिमेंट यहां लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा ओवरऑल, इस फॉर्मूले को यूज करोगे आप हर जगह और आ जाएगा आपकी वैल्यू। तो यही है बस मास डिफेक्ट, और आई थिंक सो समझ आ गया होगा। फिर करेंगे नेक्स्ट के बाद इसी को कुछ 3 लेक्चर के बाद क्वेश्चंस, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।